नमस्कार। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ बार बीपिंग शॉर्ट अलार्म किस कारण आता है और क्यों आता है। तो दोस्तों, अभी तक जिन लोगों ने हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया हो, हमें रोड महस से जाकर सर्च करके इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो में आगे। बार बीपिंग अलार्म क्यों आता है तो बता समझ लीजिए दोस्तों, मैं लिख के आ रहा दोस्तों, बार बीपिंग शॉर्ट स्टिचिंग में आप पढ़ सकते हैं शॉर्ट, मतलब दोनों का मतलब एक ही होता है दोस्तों। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि अधूरी जानकारी किसी भी काम की नहीं होती है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो में आगे। अगर बार स्टिचिंग लगाएंगे तो दोस्तों, सबसे पहले आप यहाँ देखोगे, आपको एक होल्ड का मार्क दिखेगा, ये होल्ड वाला जो लाइट है, आपकी होल्ड का जो बटन है, आपको स्विच जलता होगा, यहाँ होल्ड लिखा हुआ है। ये आता किस कारण से मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। दोस्तों, आप देख सकते हैं जैसा कि ये हमारा रोबोट है, और ये रोबोट का क्या बार यहाँ पर शॉर्ट हो गया है। शॉर्ट हुआ है इसलिए वो अलार्म आ रहा है। अगर हमारा रोबोट का बायर है कहीं, अगर रस्ट करता होगा, किसी चीज़ शॉर्ट करता होगा, तो ये अलार्म आएगा। इसके अलावा भी कुछ बहुत सारे पॉइंट रहते हैं, तो मैं आइए दोस्तों उनके बारे में आपको बता देता हूँ। जैसे कि दोस्तों, हमारा यहाँ पर अर्थिंग वायर रहता है, आप देख सकते हैं। अगर ये अर्थिंग वायर यहाँ से कहीं शॉर्ट होगा, मैंने इसलिए यहाँ पर पाइप लगा रखा है हम लोगों ने, अगर अर्थिंग वायर यहाँ से कहीं शॉर्ट होगा तब भी अलार्म आएगा आपका। और ये अर्थिंग केबल देखो यहाँ पर, वैसे यहाँ होती लगी हुई और हमने जोड़ कर रखा है। अगर ये बाहर से भी अगर कहीं पर रेस्ट होगी तब भी अलार्म आएगा आपका। तो दोस्तों, इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि वायर कहीं स्विच नहीं होता हो, और अगर हो रहा है और आपको पता नहीं चला और आपको हटाना है तो आप क्या करेंगे। चलिए दोस्तों, मैं बताता हूँ आपको हटाना कैसे। तो दोस्तों, आपको हटाने के लिए क्या करना है, बहुत सिंपली तरीका है। आपको क्या करना है, एक चाकू ले लेनी है, यहाँ लगा लेनी है, और आपको क्या करना है, रोबोट को टीच मोड में कर लेना है। जैसे ही आप टीच मोड में इसे कर लेंगे, उसके बाद देखो दोस्तों क्या है, बहुत आसान तरीका है इसका। आपको यहाँ दिख रहा होगा 6 नंबर, तो आप दोस्तों जैसे 6 नंबर दबाएंगे आप, अभी मैंने दबा दिया तो देखो ठीक है, होल्डिंग का अलार्म हट गया, और उसके बावजूद भी आपका अलार्म नहीं हटता है। जैसे क्या है दोस्तों, अभी देखो दोबारा आ जाएगा, आ गया, उसके बावजूद भी देखो दोबारा नहीं हटता है, इस पर भी नहीं हट रहा, तो आप पैसे भी हटा सकते हैं। यहाँ सिक्योरिटी में जाके यहाँ पासवर्ड डाल देते हैं मैनेजमेंट मोड में जाके, और दोस्तों इसका पासवर्ड है 99। यहाँ आपने पासवर्ड डाला, जैसे आप पासवर्ड डालेंगे तो ये अलार्म क्या है, हट जाएगा, आप ऐसे भी हटा सकते हैं। तो दो तरीके हैं, सबसे आसान तरीका ये है कि आपका बाहर जहाँ रस्ट हो रहा हो वहाँ से जाकर आप हटा सकते हैं। जब तक होल्ड रहेगा तो सोच लीजिए बाहर टिक्का आ रहा है। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और जिन लोगों ने हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो ज़रूर फॉलो कर लें। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपको, तब तक के लिए नमस्कार।